हेलो गाइस, दिस इज सुखद कोटक दिस साइड फ्रॉम बी एडुके। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ 25 जनवरी 23। करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो देर किस बात की, फटाफट कर लो ताकि हर रोज एक लीगल मैगजीन सीखने को मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से। थाई शटलर कुनवोल्ड विथिस्ट्रान ने जीत लिया है इंडिया का ओपन बैडमिंटन टाइटल। उन्होंने हराया है डेनमार्क के विक्टर को मेंस सिंगल मैच में। ये टाइटल उनको मिला है 23 इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में। नेक्स्ट न्यूज है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे 23 सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को हर साल। ये साल फिफ्थ ईयर है सेलिब्रेशन का और इस साल का थीम था टू इन्वेस्ट इन पीपल एंड प्रायोरिटाइज द एजुकेशन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एजुकेशन हर एक पर्सन का ह्यूमन राइट है, ताकि वो एक न्यू चीज जो है वो सीख सके। अब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया है 24 जनवरी को एज द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ये पर्टिकुलरली बताता है कि एजुकेशन क्या रोल प्ले करेगा पीस और डेवलपमेंट के लिए। तो विदाउट इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल इक्वालिटी एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से सब लोगों को दी जा सकती है, कंट्रीज किस तरीके से अपना जेंडर इक्वालिटी का गोल अचीव कर सकती है और पॉवर्टी का विशियस साइकिल ब्रेक कर सकती है, ये पर्टिकुलरली बताया गया है कि एजुकेशन किस तरीके से इसको हेल्प करेगा। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने बैक कर लिया है ऑस्कर नॉमिनेशंस ओरिजिनल सॉन्ग एंड दो डॉक्यूमेंट्रीज के लिए। ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को मिला है, जिसने लगातार बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं और नॉमिनेशंस में भी गया है। तो इट कंटिन्यूड विनिंग मार्च एंड इसको नॉमिनेशन मिला है ओरिजिनल सॉन्ग ऑस्कर्स 23 में। इंडियन डॉक्यूमेंट्रीज दो, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री का नाम है ऑल दैट ब्रीथ्स एंड सेकेंड का नाम है एलिफेंट विस्परर्स। नेक्स्ट न्यूज है, क्रिस हिस्पिंस ने स्वोन कर लिया है एज द 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ द न्यूजीलैंड। अब एक ये पोजीशन उनको मिला है जब एक अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन हुआ जैकिंडा एडन का, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे न्यूजीलैंड के। इन्होंने बहुत सारी चीजों को चेंज करने का प्रॉमिस किया है और एक बेसिक अप्रोच के साथ वो इकोनॉमी को फोकस करने वाले हैं, और ये डिस्क्राइब किया गया है एज द पैंडमिक ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास होस्ट करने वाला है G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट लेक्चर सीरीज, ताकि वो यूथ को एंगेज कर सके। तो ये पर्टिकुलर लेक्चर का नाम होगा, सीरीज का नाम होगा एंगेजिंग यूथ माइंड्स, जो शेषाद्री चरी है, मेंबर ऑफ द गवर्निंग बोर्ड एंड द गवर्निंग काउंसिल रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब कि रिस। उन्होंने बोला है कि स्कूल चिल्ड्रन को भी प्रमाइसिस में इस चीज का एक्सेस मिलेगा। एंड G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ गया है और इंडिया इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके एक अपॉर्चुनिटी लेकर एक मैसेज पास आउट करने वाला है वर्ल्ड को कि हम सबको ग्रो साथ में होना है, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आएंगी तभी भी हम सब एक साथ एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्विज से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का थीम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74th रिपब्लिक डे फंक्शन जो इंडिया में होने वाला है, उसके चीफ गेस्ट कौन होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ओपन 23 मेल सिंगल्स टाइटल बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप में किसने जीत लिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने स्टूडेंट्स को अवार्ड किया गया है अंडर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को लिखिए। शाउट आउट टू ज्योति जोशी, वैदेव करकर, नंदिनी मुरे, रवि पाटिल, सेजल, कंप्यूटर मैन, नाजिया शाह एंड अथर्व, अलोंग विद द प्रिया कलमस्ते फॉर गिविंग द करेक्ट आंसर्स इन द प्रीवियस वीडियो। वेरी गुड गाइस, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो ये वीडियो में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आ जाते हैं उन क्वेश्चन के आंसर्स के ऊपर जो आपको प्रीवियस वीडियो में पूछे गए थे।
फर्स्ट क्वेश्चन था, पराक्रम दिवस कौन से फ्रीडम फाइटर के बर्थ एनिवर्सरी को कमोमरेट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका करेक्ट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हिंदुस्तान यूनिलिवर ने लॉन्च किया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव किसके मदद से, करेक्ट आंसर है यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टोटल कितने आइलैंड्स अंडमान और निकोबार में है जिनको परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम के पीछे रीनेम किया गया है, करेक्ट आंसर है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, करेक्ट आंसर है प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंडिया अर्ज कर रहा है एक कंट्री को इंप्लीमेंट करने के लिए 13th अमेंडमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन से कंट्री की पॉपुलेशन लगातार जो यूजुअली बढ़ती जा रही थी, बट ये पहली बार ऐसा हुआ है 61 ईयर्स में कि उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया है रफली अप्रोक्सीमेट ऑफ 8,50,000, करेक्ट आंसर इज चाइना। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर डेली करंट अफेयर वीडियोस। बी एडुकेयर एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है जो आपको लॉ, एमबीए और बैंकिंग एग्जाम के लिए क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स और टेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 8383 81888।